सपोज क्या दिख रहा है इधर, एक क्यूब दिख रहा है. क्यूब मीन्स इट हैज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. इफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज सेम इट इज कॉल्ड द क्यूब. डन अमु डन डन अमु. वेर एज इफ टेक लाइक दिस ब्लॉक क्यूबॉइड. या वेरी गुड. दैट मीन्स इट हैज द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट बट दे आर नॉट इक्वल. That's why we are called is a cuboid. Dheerghanamu antam. Dheerghanamu. Okay. Suppose if you take this as, if you consider this as only circle, for example, if you trace it around the this coin or this something some object is there. If you trace like this, we get the circle. But if we consider this as the width, this is nothing but a cylinder. That means it has. समझे जी आप? छोटा वाला cylinder. Yes, छोटा ना बड़ा छोड़ दो भाई. लेकिन it is cylinder. Why? Because it has the base is the circle. Some height is there, and ऊपर भी circle is there. A goal है. नीचे भी गोल है. इट हैज अ प्रॉपर्टीज. दैट मींस नीचे और ऊपर सेम गोल है. और सरफेस एरिया लैटर दिस कॉल्ड द लैटरल सरफेस एरिया बट इट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया. देयर इज अ टू डिफरेंसेस बिटवीन द लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया. लैटरल मींस फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस वन क्यूब, दिस हैज अ लैटरल सरफेस एरिया. जो चीज इधर लेंथ ब्रेड्थ है ना भाई, इसको स्क्वायर बोलते हैं. स्क्वायर का लैटरल सरफेस एरिया क्या है? लेंथ एंड लेंथ, दैट इज बोथ आर सेम, दैट इज एल साइड इनटू साइड, एस स्क्वायर. इफ इट हैज सिक्स फेसेस, दिस क्यूब हैज सिक्स फेसेस, 1 2 3 4 5 6. सो इट हैज सिक्स फेसेस, ईच एरिया इज एस स्क्वायर. सो we can consider this as s square plus s square plus s square plus s square and sides. So total kya hai? 6s square. This is called total surface area. Total surface area. Lekin lateral surface area prakatala vaishalyamu ante only paidi kindu gaakunda top or niche chodke remaining jo sides side pe rahte na. It is called the prakatala vaishalyam, lateral surface area. Now this has the s square, piche bhi s square, 4s square bolte bhai example. So the lateral surface area of the cube is 4s square. Total surface area of the cube is 6s square. Lekin jo ye lete na cylinder lete na bhai, isko kya bolte, isko lateral surface nahi bolna, lekin kya bolna? जो बच्चे निजामबाद से पूछे ना हमारा प्यारे स्टूडेंट, एनी वॉल्यूम ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट जस्ट बेस एरिया base area into its height. For example, this is a cube. Its base area is a square because if you consider this as a, this is also a because it is a cube square basis. So a into a square. For example, it is the same height, same side, that is a. So a square into a cube. So volume of the cube is a cube. If you consider side as s into s. S cube. नहीं बोलना खाली. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब? s into s into s cube. ऐसा नहीं बोलना चाहिए. जस्ट बच्चे से क्या बोलना, कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले हो, वो ऑब्जेक्ट को बेस एरिया से इसको हाइट से मल्टीप्लाई करे तो इट्स वॉल्यूम आते. फॉर एग्जांपल भाई, दिस इज कॉल्ड द सम सिलेंडर. ओके प्लीज, क्यों तो इधर भी एक सर्किल है, ऊपर नीचे भी सर्कल, बेस में भी सर्कल, ये भी गोला है, ये भी गोल है. ओके, नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड द हाइट. हाउ कैन वी कंसीडर हाइट? सो नीचे से यहां तक जो हम मेजर करते हैं साइज बोलते हैं. सो इफ यू टेक दिस एज द रेडियस आर,
if we take this as the radius r, we know the area of the circle is pi r square. Pi r square. जो बेस एरिया से इट्स हाइट से मल्टीप्लाई करे तो क्या थे भाई सपोज इफ यू माइनस स्क्वायर एच दिस कंसीडर दिस इज अ एच वेरी गुड प्रेमल भाई थैंक यू दिस इफ यू कंसीडर दिस एज एच व्हाट हैपेंस द बेस एरिया इनटू इट्स हाइट दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच सो पाई आर स्क्वायर एच दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सिंपल सो बाहर करने के सर फार्मूले बन जा रहे सारे वक्रम बोलते वक्रम बोले तो इट इज नॉट द रेगुलर शेप प्लीज फॉर एग्जाम्पल भाई पेपर को आप लिए तो ऐसा जो चीज ऐसा आप ऐसा करे तो भाई ऐसा कर रहे हैं सॉरी वो मोड कर रहे हैं सो इसको इरेगुलर शेप जो इरेगुलर शेप को क्या बोलते हैं कर्व बोलते हैं इरेगुलर रेगुलर शेप यस सर यस थैंक यू सर थैंक यू समझ गए अरे यार इंशाल्लाह प्लीज वेलकम प्लीज ट्रेनर्स इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे सेशन यू कैन आस्क एंड अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन फॉर नेक्स्ट डे और टुमारो डे ऑफ टुमारो सर आज का क्लास बहुत मंची था सर पूरा पूरा समझ में आया नो डाउट सर वेरी नाइस Shukriya Rahmat bhai. Please, remaining trainees also, please interact with this session. If you have any doubt, I can explain. Otherwise, we will close session. Thank you very much for trainees bearing with my session and also jo Nishad, that means calm or patience se jo bite ke mera class lena, aap tamam logon ko mera taraf se right. Shukriya ada karta hoon. Bas. Okay. We learned about what is mathematics. Second one is मैथमेटिक्स का यूज क्या है फीचर्स या इट्स फीचर्स नेचर डिफरेंट या नेचर ऑफ लर्नर नेचर ऑफ टीचर प्लीज बोलो यार नेचर ऑफ टीचिंग नेचर ऑफ या आइसोमेट्रिकल शेप्स वही शेप्स के बारे में द डिफरेंस नेचर ऑफ नो द डिफरेंस बिटवीन द शेप एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यस 2D 3D समथिंग या 2D एक्सक्यूज मी सर एग्जैक्ट या प्लीज मां Sir, as you said, the entrepreneurship is not a business. Yeah. Means we can say Mukesh Ambani is also entrepreneurship. Of course, in their at their level. So that is you are talking about this education, sir. Yeah, I am talking about purely education, Amma. But thing is, if you, for example, if we have a, for example, sort of mummy ke paas ek kya jo kurta se kuch. खरीद करते जी आप बेचते आप मुंबई से लाते बेचते जी फिर वन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ऑडिबल सर आ ओह प्लीज प्लीज या थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आई थिंक टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स का नेचर क्या है हर एक सब्जेक्ट को नेचर रहते सो हमारा जो मैथमेटिक्स में नेचर क्या है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ ओके ओके सर अल्लाह हाफिज़